आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूपी के सरवास्ती में बीते दिनों मछली मारने के विवाद में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया है। बीते दिनों तक थाना गिलौली के ग्राम पंचायत बेलवा खतीब निवासी पुत्तीलाल कहार पुत्र ननकौ द्वारा मछली मारने की बात को लेकर अब्दुल रहमान पुत्र रियासत साकिन महाराज गाँव बक्सीपुरा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को हसिया से वार कर गहरा चोट पहुंचाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता रियासत अली की तहरीर पर स्थानीय थाना पर 150/18, 302, 504, 352 अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। घटना के त्वरित खुलासे हेतु एसपी आशीष श्रीवास्तव ने क्षेत्राधिकारी गौना को निर्देशित किया था, जिस पर आज थानाध्यक्ष गिलौला व हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिलौले कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर धारदार हथियार भी बरामद की गई है। अभियुक्त को जेल रवाना कर दिया गया है। आज गिलौला की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए पुत्तीलाल को गिरफ्तार किया है। पुत्तीलाल ने स्वीकारोक्ति करी है, बताया है कि उसके आपस में लड़ाई होने के कारण से अब्दुल के साथ काफी कहासुनी हुई, इसको लेकर के अब्दुल ने उसके ऊपर वार किया और अपने उसके पलट करके फिर पुत्तीलाल ने वार किया, जिसमें अब्दुल की जान चली गई और अब्दुल के साथी को भी जोड़ा। तो इसके आधार पर आज कार्रवाई करते हुए गिलौला पुलिस उसको रिमांड ले रही है, इसके आधार और आपकी कार्रवाई करेगी।